हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन, रचनास किचन। विंटर्स अपने जोरों पे हैं और मार्केट में हर तरह की शाक भाजी अवेलेबल है। मेरे घर में भी सब तरह के भाजी आ चुकी है, बथुआ है, पालक है और सरसों का साग है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बना लूँ सरसों का साग मक्के की रोटी के साथ। और ये जो रेसिपी मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ, वो मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। जब इस घर में मैं शादी करके आई थी तो उन्होंने मुझे बताई थी, ये रेसिपी मेरे साथ शेयर की थी, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी है, हम इसमें टमाटर का यूज़ नहीं करने वाले हैं, फटाफट से बन जाती है। आइए देखें कैसे बनाएंगे सरसों का साग मक्के की रोटी के साथ। परफेक्ट साग बनाना हो तो उसके लिए सबसे पहले आप लेंगे एक कटोरा सरसों और आधा कटोरा हमारा रहेगा बथुआ, है ना, और जिसे गुजराती में चील भी कहते हैं, और एक कटोरा रहेगा पालक। और इन सभी की जो डंडियां होती हैं, पीछे की जो डंठल होती है ये वाली, आप इसको तोड़ लेंगे। बिल्कुल हमें वो डंडी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें पत्ते पत्ते चाहिए, हमें ये इस तरह से आप तोड़ लेंगे। डंठल निकालने के बाद इन तीनों ही भाजी को आपको छोटा छोटा चॉप कर लेना है। अब एक कुकर मैंने लिया है, उसमें सबसे पहले मैंने ऐड किया है सरसों, ये मैंने छोटी छोटी काट ली थी और इसे वॉश कर लिया था। देखिए वॉश ज़रूर अच्छे से कीजिए, क्योंकि इनमें ना काफ़ी मिट्टी होती है, खेतों से आई होती है डायरेक्ट, तो इनमें मिट्टी बहुत होती है, तो वो आपको खास ध्यान रखना है। फिर हम डाल देंगे बथुआ, ये भी वॉश कर लिया था अच्छे से। फिर इसमें हमने डाल दिया वॉश किया हुआ पालक। अब देखिए इसमें मैंने तीनों भाजी हमारी डाल दी थी, अब मैंने एक छोटी प्याज बारीक काट के रखी थी वो इसमें ऐड कर दी है। फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चॉप की हुई हरी मिर्च, ये मैंने दो हरी मिर्च ली थी। फिर हमने लिया है एक इंच अदरक का टुकड़ा, वो भी बारीक कट कर लिया था। और इसमें हम डालेंगे 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। लहसुन बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं खाते तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लहसुन से ना बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और हम डालेंगे नमक, नमक अभी हम थोड़ा ही डालेंगे। ध्यान रखिए एक ये टिप मैं ज़रूर आपको देना चाहती हूँ कि जब भी आप भाजी बनाएं नमक हमेशा कम रखें, क्योंकि भाजी जो है भुजक जाती है, यानी कम हो जाती है। अभी हमें बहुत ज़्यादा लग रही है पर बाद में ये कम हो जाएगी और नमक हो जाएगा ज़्यादा, तो आप नमक हमेशा कम डालें, बाद में चाहिए तो हम ऐड कभी भी कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने डाल दिए हैं 3 से 4 काली मिर्च और 2 लौंग। आधा ग्लास पानी डाल के मैं विसल ले लूँगी, बहुत ज़्यादा विसल इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 विसल में आसानी से भाजी हमारी गल जाएगी। 3 विसल के बाद मैंने गैस बंद कर दी थी और भाजी आप देखिए कितनी ऊपर तक लग रही थी ना, अब सिकुड़ गई ना, इसलिए मैं बोल रही थी कि नमक आप हमेशा कम रखेंगे। अब इसे मैं कुकर से निकाल के ठंडा होने दूंगी, क्योंकि इसे हमें बारीक पीसना है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा इसे आपको बहुत बारीक पीसना है, पर अभी ये बहुत गर्म है, जब एकदम ठंडा हो जाए उसके बाद ही पीसे, नहीं तो ये पूरा जार में से बाहर निकल के आएगा, किचन भी ख़राब करेगा और आपके में मूड को भी ख़राब कर देगा। और बस इसको पीस लीजिए, इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, भाजी में ऑलरेडी काफ़ी पानी होता है। अब जिस कुकर में मैंने भाजी को बॉयल किया था उसी कुकर में मैं ये जो हमने पेस्ट बना लिया है उसको बॉयल करने रखूँगी। इसको स्टर करते जाएं, कहीं तले से ना लग जाए। अभी इसकी कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी सी पतली लग रही होगी, पर बाद में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। 4-5 मिनट अच्छे से इसको बॉईल आने दीजिएगा। अब एक कटोरी में मैंने लिया है मक्के का आटा, ये 2 चम्मच जितना मक्के का आटा है, इसको मैं पानी में भिगो लूँगी। इसमें हम 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लम्ब्स ना रह जाए इस बात का खास ध्यान रखेंगे। फिर ये जो स्लरी हमने बनाई है मक्के के आटे की, उसको और जो हमारा साग बॉईल हो रहा है इसमें ऐड कर देंगे और फिर बॉईल होने देंगे साग को अच्छे से। एक साथ पूरा मत ऐड कीजिएगा, देखिए हमने बना ज़रूर थोड़ी सी ज़्यादा ली है, लेकिन जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी हम वैसे वैसे ऐड करते जाएंगे। और इसमें अब मैं ऐड कर दूँगी 1 चम्मच गर्म मसाला, ये घर का बना हुआ गर्म मसाला है, कोशिश कीजिए घर का गर्म मसाला ही डालें, उससे स्वाद ज़्यादा ही अच्छा आता है। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच बटर, ये बहुत ज़रूरी है स्वाद बढ़ाने के लिए भी और इसकी रिचनेस को इनक्रीज़ करने के लिए। हमारा साग अच्छे से बॉयल हो चुका है, अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए मैंने एक पैन में 2 बड़े चम्मच घी गरम करने रख दिया है। घी जैसे ही गरम हो जाएगा उसमें हम हींग डालेंगे, सबसे पहले साबुत लाल मिर्च, फिर उसमें मैंने ऐड किया है जीरा। जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा तब मैं गैस बंद कर दूंगी, क्योंकि घी काफ़ी गर्म है, और इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च।
देखिए मिर्च आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा अकॉर्डिंगली। मैंने एक बड़ा चम्मच मिर्च का लिया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तड़के की। और मैंने थोड़ी सी देसी लाल मिर्च भी डाली है क्योंकि मैं तीखा थोड़ा ज़्यादा खाती हूँ, इसलिए अब इस तड़के को हम साग में डाल देंगे और गरम गरम साग को मक्के की रोटी के साथ सर्व करेंगे। आइए अब हम बनाते हैं मक्के की रोटी। मक्के की रोटी के लिए मैंने लिया है 1.5 कप मक्के का आटा और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक। मक्के का आटा आपको आसानी से किसी भी ग्रॉसरी शॉप में मिल जाएगा और इसे हम गूंदेंगे वॉर्म वाटर से, ठंडे पानी से नहीं गूंदना है, वॉर्म वाटर से गूंदना है। मैंने एक ग्लास पानी को 30 सेकेंड्स गर्म किया था, उतना वॉर्म में हमें रखना है और जैसे भी ज़रूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे हम पानी मिलाते जाएंगे। यह आटा गूंदने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप देख सकते हैं आटा अच्छे से गूंद गया है, पर आपको इसको वॉर्म वाटर से ही गूंदना है, इस बात का खास ध्यान रखिए। इसे 10 मिनट में रेस्ट करने दूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसके हम छोटे छोटे से गुल्ले तैयार कर लेंगे। काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि रोटी टूट जाती है, तो उसके लिए मैंने ट्रिक ये करी है कि फॉइल लिया है, फॉइल पे थोड़ा सा घी लगा लिया और ऊपर से फॉइल और इस पे कवर कर देंगे और फिर बेलेंगे तो हमारी रोटी कभी भी नहीं टूटेगी। डायरेक्ट आप चकले पे बनाएंगे तो रोटी चकले पे चिपक जाती है, फॉइल पे वो रोटी नहीं चिपकेगी आपको। और फॉइल आप इस तरह से घुमा घुमा के भी बेल सकते हैं, ऊपर अगर आपको फॉइल नहीं लगाना है तो आप डायरेक्ट भी उसको बेल सकते हैं। ये देखिए है ना, हल्के हल्के हाथों से बेलिए और थोड़ी अगर टूट भी जाएगी साइड से तो आप उसको एनी टाइम फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए हल्के हाथों से निकाल लीजिए, देखिए हमारी रोटी बिल्कुल भी नहीं टूटी है, बहुत परफेक्ट बनी है। गोलाई की चिंता आप मत कीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है गोल रोटी को बना पाना, तवे पे इस तरह से आप डाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटी ना हमारी रोटी, तवा बहुत गर्म रखिएगा, रोटी हाथ से घुमाते जाइए और बनाते जाइए। मक्के की रोटी बढ़िया तैयार हो रही है हमारी और इसमें बहुत सारा बटर या घी लगा के खाइएगा, सूखी सूखी मत खाइएगा, एक दो दिन डाइट भूल जाइए। जिस दिन आप सरसों का साग खाएं तो बिल्कुल डाइट को भुला दीजिए। पंजाबी प्लेटर पूरी तरह से रेडी है, मक्के की रोटी, सरसों का साग, मिर्ची का अचार, मूली, पापड़ और इसमें जो मैं रखना भूल गई आपको दिखाने के लिए वो है गुड़ और घी। गुड़ को और घी को आप गरम कर लीजिए, माइक्रो कर लीजिए या गैस पे कर लीजिए और साथ में कॉम्बिनेशन होता है इसका, बहुत बढ़िया लगता है। मेरे स्टाइल से मक्के की रोटी सरसों का साग बना के देखिए और मुझे बताइए कि मेरी सासू माँ की रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।